हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज एक खुशी की बात आप लोगों को बताऊं, मेरा जो फेसबुक पेज है उसमें जो है एड ऑन रील्स ऑप्शन आ गया। तो इसके लिए मैं क्या क्या प्रोसेसिंग किया था वो आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को फुल एंड तक देखते रहना। मैं बात कर रहा हूँ रूबेल, आप देख रहे हैं यूएटेक सपोर्ट। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एड ऑन रील कैसे मिलता है और ये ऑप्शन कहाँ मिलेंगे आपको और उसको जो है कैसे आपको सेटअप करना है वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं सुबह सुबह फेसबुक जो है ओपन किया। ओपन करने के बाद जो है जब मैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड में गया, इधर एक ऑप्शन आया, देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप्स। इसमें लिखा है यू आर एलिजिबल टू स्टार्ट अर्निंग विद एड ऑन रील्स। तो ये देख के मुझे बहुत ही खुशी मिला है। तो इसके अंदर गया मैंने, जाने के बाद आप देख सकते हो सेटअप का ऑप्शन मिला है एड ऑन रील्स का। तो इसमें जो मैं बहुत खुश हो गया। तो इसके बाद जो है आप इसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देख सकता है स्टार्ट अर्निंग लिखा है, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। और इसके बाद जो है मेरा जो बिजनेस इन्फो है वो मैंने ऐड किया इधर से। उसके बाद नेक्स्ट किया और उसके बाद देख सकता है ये अप टू $500 तक मैंने अर्न कर सकता हूँ एड ऑन रील से। उसके बाद जो है मैंने इधर नीचे लिखा है फिनिश सेटअप, इसके ऊपर जो है मैंने क्लिक किया। तो जब भी मैं इसको क्लिक किया, इसका अंदर जाने के बाद देख सकते हैं ऑलरेडी 3 fields दिखा रहा है, ऑलरेडी अर्निंग इसमें दिखा रहा है और ये जो एनेबल है एड ऑन रील्स। तो मुझे ना बहुत खुशी मिला है क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल था। मैंने बहुत बार रिपोर्ट किया, मेरा एड ऑन रील्स का कोई ऑप्शन नहीं था। तो आज मिल गया, थैंक यू सो मच।